Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. आपको गाली दे दे, ताना दे दे, आर दे ला दे, तो आप जाहिलियत क्यों उभर आती है? गाली देने से क्या कान टूट के गिर जाता है? कोई आर ला दे तो बाजू जो है वो टूट जाता है? यहिया बिन मईन रहिमहुल्लाह तआला जब उनको किसी शख्स ने गाली दी थी, मुस्कुराने लग गए। देखने वाला क्या कहता है जो आज भी लोग कहते हैं? जवाब दो, बुजदिल हो, लिमन तरद अलै, तुम इससे को लेके खाते हो? जवाब दो, इस ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए। न जाने ये कौन सी बुखारी की रिवायत है कि ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए, ईंट का जवाब दुआ होनी चाहिए। ये जुमला बदलिए, यहिया बिन मईन का जवाब सुनिए जो उन्होंने कहा, अगर मैंने गाली का जवाब गाली ही देनी है, फलिमाज़ा तअल्लमतु इज़न, फिर मैंने दीन को पढ़ा था, मैंने इल्म को सीखा था, जब मुझे पता है कि गाली का जवाब गाली नहीं देनी चाहिए, मैं गाली क्या दूं? अगर उसने गाली दे ली है और उसने अपनी जुबान बुरी कर ली है, तो क्या मैं उसकी वजह से अपने आप को बुरा कर लूं? नहीं, मुझे वो करना है जो मोहम्मद मुस्तफा ने किया है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था, ला तसुब्बु शैतान, शैतान